बैठे बैठे तो सीनियर आदमियों बोलना नहीं चाहिए। माननीय वैज्ञानिक विद्वान मंत्री जी, मेरे प्रश्न को थोड़ा समझ लीजिए। नहीं, आप कार्रवाई का अध्यक्ष नहीं, नहीं, कार्रवाई कब कब कहा? अरे बैठे यार, एनजीटी का मतलब भी नहीं जाना तो पूछते थे। जानता साहब, जानता मैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही सत्ता पक्ष सदन में अपने ही विधायकों के तीखे तेवर से जूझ रहा है। प्रश्नकाल से लेकर ध्यान आकर्षण तक एक के बाद एक कई वरिष्ठ विधायक सरकार से तीखे सवाल करते और अपनी ही सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। सदन में बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को जमकर घेरा। सवाल शुरू करने के पहले अजय चंद्राकर ने विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह से पूछा कि जो सवाल करना है वो पेज ही परिशिष्ट से गायब है। इस दौरान विधायकों ने टोका टोकी भी की, जिस पर बीच बीच में अजय चंद्राकर जवाब देते रहे कि अक्ल वाली बात है। चंद्राकर ने राखड़ के निष्पादन को लेकर सवाल किया कि 52 लाख टन वेस्ट राखड़ में केवल 16 लाख टन ही राखड़ का निष्पादन किया गया, ऐसे में बचे राखड़ को कैसे डिस्ट्रॉय किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के अंतर्गत जो परिशिष्ट लगाया गया है और उसमें जो कार्यवाही करनी है उसके संबंधित जो पत्ता है वही गायब है। 7 नंबर पेज तो परिशिष्ट में एक पन्ना ही गायब है, तो इसको अगले दिन के लिए रख लिया जाए ना, क्योंकि कार्यवाही जो बतानी है उसी का एक पन्ना गायब है, तो मैं पूछूंगा कैसे? कार्यवाही तो हुई नहीं है। आप समझ लो, धीरे धीरे कैसे गायब हो जाते। यादव अकल वाला बात है। ये अकल वाला बात है तेरे खातिर मेरे पे बोला शुरू कर। परिशिष्ट में जिसमें कार्यवाही होनी है, राजपत्र जो मुझको दिया है एक पन्ना ही गायब है, तो इस प्रश्न को चाहे तो आप अगले दिन के लिए रख लीजिए जब मुझे पूरा परिशिष्ट दिया जाए। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के जवाब के दौरान भी अजय चंद्राकर ने वित्त मंत्री को विद्वान मंत्री कहते हुए तंज कसा। बीच में रोका टोकी को लेकर अजय चंद्राकर कांग्रेसी विधायक कवासी लखमा पर भड़क गए। गुस्से में कहा कि सीनियर आदमी हूँ, आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह को हस्तक्षेप कर मामला शांत कराना पड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 23 जो महीने हैं उसमें 4 बार विभाग के द्वारा जाकर के कार्रवाई किया गया है, और ये जो 4 बार हैं कार्रवाई जो की गई है उसमें जो स्थल हैं भूभराव स्थल ग्राम कुरुडी जिला कोरबा है, वहाँ पे क्षेत्रीय अधिकारी और कनिष्ठ वैज्ञानिक विद्वान मंत्री जी, मेरे प्रश्न को थोड़ा समझ लीजिए। नहीं, आप कार्रवाई का अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई कब कब कहाँ कहाँ किया गया नहीं, उसकी जानकारी चाहिए गई है, वही जानकारी मैं बता रहा हूँ। सुनिए माननीय मंत्री जी, जी बैठे बैठे तो सीनियर आदमी हो बोलना नहीं चाहिए, है ना? न्यायात्रम जाओ, नहीं तो हम तो आपको माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रश्न को फाइल हो गए क्या? लखमा जी, ये ना आपका प्रश्न है ना संदर्भ है, कृपया बैठ कर ना बोले। कोई भी प्रश्न करना है आप अनुमति लेके बोले तो अच्छा, बहुत सीनियर हैं आप। ये कृपया इसकी चिंता करें। एनजीटी इसमें सख्त कार्रवाई करती है। पर्यावरण का सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 23 महीने में आपने 36,000 मीट्रिक टन निष्पादित नहीं किया, और निष्पादित नहीं करके उसको सड़कों में बिछा दिया, कहीं भी फेंक दिया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कई मामलों को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों के अपने सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, इससे मंत्रीगण असहज भी हो रहे हैं। कई मामलों में सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों पर सवालिया निशान भी लग रहा है। नए विधायक हो या सीनियर विधायक, प्रश्नकाल हो या ध्यान आकर्षण, नई सरकार के मंत्री अपने ही पार्टी के सदस्यों से घिरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अपनी ही सरकार पर विधायकों का गुस्सा क्यों फूट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट छत्तीसगढ़ तक।